कैमरा बंद कर अपने मुलिया से पूरी एक चीज दे रखे एक पूरे अरे पूरी एक चीज क्या दिक्कत है अरे दिक्कत है तभी इधर रंजीत पंडित जी अंदर से आएंगे जी ओके और ये सामने पेड़ के पास से कुछ क्राउड रहते हैं उन पर नहीं है यहाँ पे पेड़ के बगल में ये कॉर्नर में कौन जी प्रभु अरे नहीं ऊपर ही रखो मैं बोलूंगा ट्रॉली ओके ऑर्डर हेलो वहां कॉर्नर पे कोई है दो तीन लड़के लोग ठीक है जी ओके और एक मिनट यही कवर करते जरा सा आ जाइएगा हाँ एक मिनट हाँ ये खाली ये प्लेसमेंट पकड़ लीजिए आपको एंट्री नहीं करनी थी मैं बोलूं मैं तो ज्वाइन करना आपको हाँ
का साफ सुथरा यस यहाँ से पटना है, वहां से पूजा करते हुए जी ऊपर से एक बार पूरा करेंगे। हाँ। चंदन उपाध्याय जी हमारी हीरोइन है, स्मृति सिन्हा जी। सौभाग्य है कि महादेव की नगरी में आने का हम लोगों को मौका मिला और आप सबको प्रणाम। आप सबके चैनल के जरिए जे भी हम सबके देख रहा बा, भैया चाचा माता बहन सबके पैर छू के प्रणाम बा। फिल्म के नाम बा हर हर गंगे और मैं थैंक यू बोलूँगा अपने डायरेक्टर को जो आज के माहौल में इस सोच को लेके आए मेरे पास कि भैया मुझे इस टाइप की फिल्म करनी है। तो दिल दोगुना हो गया, बड़ी चौड़ा हुआ कि यार चलो बहुत खुशी की बात है। ये तो मतलब मेरा भाग्य है कि ये प्रोजेक्ट आप मेरे पास लेके आए और ये हम सब कलाकार का भाग्य है जो हर हर गंगे फिल्म में काम करने का मौका मिल रहा है। फिल्म की कहानी वगैरह क्या है, किस तरह का किरदार आपका है? नाम में माँ गंगा है तो क्या है? हर हर गंगे फिल्म के नाम पर थोड़ा सा हम कलाकारों को भी थोड़ा सा बांध दिया जाता है कि कहानी को डिस्क्लोज ना किया जाए, इसलिए मैं अपने डायरेक्टर को भी अपने साथ बैठा लिया कि जहाँ मैं फंसूंगा मैं बोलूँगा भाई थोड़ा सा शेयर करिए बस। बट लेकिन थोड़ा सा ये जरूर ये है कि ये हम लोग हमारा मतलब सोच और भाव यही है कि गंगा माई में जवन गंदगी फैलावल जाता है या कुछ yes. मतलब गंगा सफाई अभियान के ऊपर ये हमारी फिल्म है। yes, मुझे गंगा माँ को साफ करना है। गंगा की सफाई की आप बात कर रहे हैं, पहले भी काशी आते रहे होंगे, तमाम प्रोजेक्ट्स प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, बदलाव नजर आता है आपको भी काशी में? काफी बदलाव, हम लोग पहले भी बनाना चाहते थे माँ गंगा का। हम लोग स्नान हमारे तो गंगा किनारे हमारे जन्मे है, तो गंगा माई के माई है और जो कल था माँ तो माँ है, लेकिन जो माहौल कल था और आज में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। चलिए पूरे डिपेंड है बनारस पे, फिल्म के आगे क्या इश्यूज दिए गए हैं? आज के डेट में हमारे भोजपुरी भाषा जो होगा ये बड़ा खुशी होता है, बहुत दिल चौड़ा होता है कि आदमी इंडिया के बाहर भी शूट करता है तो हमारे यूपी बिहार से भाई कोई ना कोई मिल ही जाता है, फैमिली माता बहन लोग मिलिए जाला। तो ये खाली यूपीए बिहार के लेके फिल्म लेके बन पूरे हिंदुस्तान मतलब पूरा समाज के लेके ये हिंदुस्तान में मतलब एक गंगा सफाई अभियान जो अनबा ये खाली यूपी बिहार के लेके नहीं थे, ये सबके लिए बाकी मतलब हम हिस्सा है। और बहुत जैसे संस्कृति हमारी धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि गंगा भी विलुप्त, तो उस गंगा को बचाने का ये प्रयास है हमारे हीरो का, हमारे एक्टर का, कि इस गंगा को बचाना होगा, क्योंकि गंगा एक ऐसी नदी है, एक ऐसी पवित्रता का नाम है जो हमारे यहाँ हर घर में, हिंदुस्तान के हर घर में, या जो भी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं किसी भी दुनिया के या देश के घर में, उनको इस गंगाजल की ज़रूरत पड़ती है। तो उस गंगाजल की शुद्धता इम्पॉर्टेंट है, उसी गंगा को स्वच्छ करने की ये कहानी।
अगर देखा जाए तो भोजपुरी की अगर बात की जाए तो नाम आता था बिहार का, लेकिन अब ये यूपी में भी देखा जा रहा है कि अब काफ़ी ज़्यादातर फिल्में यूपी के कई जिलों में शुरू। युवाओं को कैसे प्लेटफॉर्म मिलेगा कि इन आपके फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपनाएं और इसमें काम करने के लिए एक अलग आए उनके अंदर? भैया देखिए, मेरा शुरू से ये प्रयास रहा है और हमेशा रहेगा कि हमारे यूपी बिहार से जो भी नए नए लड़के हैं ना वो आगे बढ़ें, जो प्रयास कर रहे हैं अगर हम मिल गए तो मिल के कोई सपोर्ट कर दिए। जैसे आपने बोला खाली बिहार में ही भोजपुरी 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 भोजपुरी, आज यूपी में भी, ये बहुत सौभाग्य की बात है। आपने मेरा एक गाना सुना होगा जिसका नाम है पुदीना। तो आम के सीजन रहे और पुदीना गाना हिट हो गया, तो टिपिकल भोजपुरी गाना लेला पुदीना, वो गाना आप लोगों की कृपा से, हमारे ऑडियंस की कृपा से 1 बिलियन क्रॉस कर गया, 1000 मिलियन। तो आज भोजपुरी के 23 साल खाली बिहार में ही देखे, मतलब बोल सकते हैं दिल से कि पूरे वर्ल्ड में हमारे भोजपुरी का डंका बज रहा है आज के समय, और डंका बज रहा है तो हमारे नए नए लड़के आगे भी बढ़ें, खूब नाम कमाएं, सुपरस्टार बने, मस्त रहे। ये जैसा कि फिल्म में माँ गंगा का जिक्र हुआ है तो अब फिल्म बनाता पूजा तो मान लो कभी करी पूजा पूजे है, लेकिन जब ली एक्शन ना हुई, थोड़ा सा इमोशन ना हुई, क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, क्या हमारा भावना है, क्या मिशन है, तो किसी भी मतलब हमके छत पर चढ़े के बाद जमीन से तो एक ही सीढ़ी में ना चढ़ जाए, 2, 3, 4, 5, 6, तो उसमें पूजा है, पाठ है, भाव है, एक्शन है, इमोशन है, हर चीज़ देखने को मिलेगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आज के समय में हमारे प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।